नमस्ते साथियों, आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बताने जा रहा हूँ बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड। जिन भी स्टूडेंट्स जिनका यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक डिटेल्स वेरीफाई नहीं हुआ है, उन सभी को एक लास्ट डेट दिया गया है कि आप अपना बैंक डिटेल्स सुधार लें, अन्यथा आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो तो आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे चले आएँ। और यहाँ पे आपको दो चीज़ें करना बहुत ही अनिवार्य है, आपको सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करना है और आपको ये भी देखना है कि आपका बैंक अकाउंट को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। और जो स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट या फिर डिटेल्स एक्सेप्ट नहीं किया गया है उन्हें क्या करना है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे दिनों से यहाँ पे क्या कह सकते हैं स्कॉलरशिप का जो पोर्टल था उस पर कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा था और ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट बहुत सारे एकेडमिक टर्म को बढ़ाया जा रहा था बहुत दिन 2-3 महीनों से, लेकिन कोई यहाँ पे कार्य नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जाके कुछ नया आगे का प्रक्रिया है उसे इस पोर्टल ने किया है, आप लोगों को यहाँ पे बताया है, यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन एट इंस्टीट्यूशन स्कूल विल बी वेरीफाइड बिफोर 22 जनवरी 2022, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन विल बी डीएक्टिवेटेड फ्रॉम आवर पोर्टल। यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट यानी कि जो भी कोचिंग या फिर कॉलेज है उन्होंने अभी तक जो स्टूडेंट्स आपको आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका जो स्टेटस का प्रिंट आपको जमा करना था आपने जमा कर दिया होगा, लेकिन कॉलेज वाले क्या किए हैं, बहुत सारे कॉलेजों ने अभी तक उन सभी का स्टूडेंट्सों का कॉलेज की तरफ से भी वेरीफाई नहीं किए हैं। तो उन केस में उन स्टूडेंटों का जो एप्लीकेशन फॉर्म जिन कॉलेज वाले ने कॉलेज से अप्रूवल नहीं दिया है उनको उन सभी को आपको क्या करना है 22 जनवरी से पहले पहले तक जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशन है उन सभी को वेरीफाई कर देना है, अन्यथा उस कॉलेज का जो इस पोर्टल पर से निष्क्रिय कर दिया जाएगा, उस कॉलेज का जो पोर्टल है उसे हटा भी दिया जा सकता है इस पोर्टल से। तो ये कॉलेज वालों के लिए है, ये आपके लिए अच्छी खबर है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटस देखिए, ऑल स्टूडेंट्स चेक बैंक अकाउंट स्टेटस एंड करेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑन द पोर्टल बिफोर 21 जनवरी। यानी कि आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक डिटेल्स चेक करना है, बैंक का स्टेटस चेक करना है कि वह एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। 21 जनवरी 2022 से पहले पहले तक आप लोग चेक कर लीजिए। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं आप अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 21 तारीख को 20 तारीख को हैवी ट्रैफिक हो जाएंगे तो ऐसे में फिर आपको समस्या होने लगेगी। दूसरा जानकारी चलते हैं देखते हैं, यहाँ पे है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21 जनवरी। यानी कि 21 जनवरी से ही आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हर एक मतलब ये जो PMS है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसके ऑफिसर बैठते होंगे। तो ऑफिसर क्या करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज भरा उस कॉलेज में जा करके उस कॉलेज का पहले जाँच करेंगे, फिर अगर वो कॉलेज वेरीफाई है सही है लीगल है तो आपके आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, मतलब आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ऑफिसर है वो या तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करे या फिर जाके वेरिफिकेशन करे, कुछ भी करे, लेकिन आपका स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा और जो कि स्टार्ट होगा 21 जनवरी से। और इसीलिए आपको 21 जनवरी से पहले पहले तक अपना सारा डिटेल्स बैंक अकाउंट का या फिर आपका फाइनलाइज हुआ है कि नहीं उसे चेक कर लेना है, ठीक है। तो यानी कि 21 से आपका स्टार्ट होगा और यह ग्रीन कलर में दिया गया है, यानी कि ये आपके फायदे का है। इतने दिनों के बाद अब जाके आपका आगे का प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रहा है 21 जनवरी से। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे जो पोर्टल के जो अधिकारी होंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के, वो आपका एक तो एकेडमिक टर्म चेक करेंगे कि आप जो एकेडमिक टर्म में जो फॉर्म भरे हैं क्या वह सही है, क्या आपका ब्रांच सही है, क्या आप उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या नहीं, ये सब आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और आप गलत पा जाते हैं तो आपका क्या रिकॉर्ड आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये जो आपको मेन जो चीज़ करना है लिस्ट ऑफ फाइनलाइज स्टूडेंट, यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनलाइज्ड हुआ है या नहीं, ये कॉलेज की तरफ से आपको हरी झंडी दिखाया गया है या नहीं उसे आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो उसे चेक करना मैं बताता हूँ। और फिर यहाँ पर है आपको सबसे मेन है यहाँ पर आपको वेरीफाई योर स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस, स्टूडेंट का स्टेटस यहाँ से चेक करना है, यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका बैंक डिटेल्स एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। तो चलिए पहले हम लोग इस वाले पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा कैसा इंटरफेस आपके सामने आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उस लिस्ट ऑफ फाइनलाइज स्टूडेंट का पोर्टल, यहाँ पर क्लिक करने पर आप इस वाले पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है
और आपका कॉलेज किस जिले में है उसे सिलेक्ट करना है, फिर आपको कॉलेज को भी चुन लेना है, ठीक है। कॉलेज भी चुनिए, उसके बाद आप मोबाइल नंबर या फिर शायद आधार कार्ड या फिर यूजर आईडी कार्ड डाल करके यहाँ पे सर्च कर लीजिए, इसमें आप मोबाइल नंबर डालिए और फिर यहाँ पे आप सर्च कीजिए, ठीक है। और इस रिकॉर्ड से अगर कोई स्टूडेंट्स का नाम है, यानी कि आपका आपको क्या क्या गया है यहाँ पे, फाइनलाइज्ड स्टूडेंट आप हुए हैं कि नहीं, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है यानी कि आपके आप फाइनलाइज्ड हो चुके हैं, आपको अब कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह आपके लिए अच्छी खबर है कि आप फाइनलाइज्ड हो चुके हैं, कॉलेज ने आपको फाइनलाइज्ड कर दिया है। अब साथियों अब चलते हैं इस वाले पे, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई आवर स्टूडेंट अप्लीकेशन स्टेटस, ये जो है इस पे हम लोग चलते हैं। इस पे चलने पर आपको पता होना चाहिए, ये सारा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यूजर आईडी जो भी डालना है डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और आप अपना स्टेटस चेक कीजिए सर्च पे क्लिक करके। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका स्टेटस रहा। यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर यहाँ पे एक्सेप्टेड। यहाँ पे देखिए ये जो है ना अकाउंट नंबर, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, अन्यथा आपको पुनः अकाउंट नंबर 21 जनवरी से पहले पहले तक आपको पोर्टल पर लॉग इन करके अपने पहले जैसे अकाउंट नंबर डाला था जहाँ पे, वहाँ पे ही आपको क्या कर देने हैं, अकाउंट नंबर को अपडेट कर देना है। या फिर अगर इस अकाउंट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप बैंक वाले को कहिए, बैंक में जाइए सुधरवाइए, अन्यथा अगर आप फिर भी असंतुष्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हेल्प नंबर दिया गया है उस पर आप बात कर सकते हैं। 3 नंबर दिया गया है हेल्प डेस्क में और फिर आपको एक ईमेल आईडी भी दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई आपको पता है कि अगर मेरा बैंक अकाउंट सही है फिर भी क्यों नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे जीमेल है ऑफिशियल जीमेल, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, कारण जान सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस में ही देखिए यहाँ पे कुछ और सारा स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। मेन आपका यह है अकाउंट नंबर एक्सेप्ट किया गया है या नहीं, ठीक है, मेन आपका यही है। अगर यहाँ से एक्सेप्ट हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है, तो आपका सब कुछ लगभग आपके तरफ से हो चुका है। आपको अब कुछ नहीं करने हैं, जो करने हैं वो कॉलेज वाले या फिर जो पोर्टल के ऑफिसर हैं उनको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट स्टेटस यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि इंस्टीट्यूट ने हमें हरी झंडी दिखा दिया है। अब है फिजिकल वेरिफिकेशन, ये आपके करेंगे कौन, इस पोर्टल के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल के अधिकारी लोग, आपके कॉलेज जाकर या फिर ऑनलाइन ही पता करें, कुछ भी करें, लेकिन ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के रूप में कहा जाएगा। ये जो कमिटी स्टेटस है, ये फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, ये कमिटी स्टेटस होते ही आप लोगों का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट में। आप पूछिएगा कि कब तक किया जाए, तो 1 महीने से कम से पहले आपका पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि बिहार वाले बहुत धीमे धीमे कार्य भी करते हैं, तो ऐसे में आपका मार्च तक पैसा आपका आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आपने कितने टर्म यानी कि एकेडमिक टर्म का भरा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्म का 19-20 और 20-21 का भरा हुआ है, तो ये दोनों में आपका सेम इंस्टीट्यूट लेवल से एक्सेप्ट दिया गया है और बाकी सारा पेंडिंग है। और ये जो पेंडिंग है वो तो स्टार्ट ही होगा 21 जनवरी से फिजिकल वेरिफिकेशन वाला, उसके बाद का आगे का कार्य होगा। तो होप साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे आप कैसे आएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके यहाँ पे चले आइएगा और इस पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस, फाइनलाइज स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।